राजस्थान में महिलाओं और नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं प्रदेश के जोधपुर जिले के आसोप गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीन युवकों ने बालिका को गोदाम में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं बालिका के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार आसोप निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ गांव में ही निवास करने वाले सदीक पुत्र मोहम्मद कादिर ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया।